इंसानों ने दरिंदगी में जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। सिंध के अंदर एक और ऊँटनी को जुल्म सितम का निशाना बना दिया गया। कंजी के करीब मोड़ झंगू मोड़ पर नामालूम अफराद ने ऊँटनी की चारों टांगे काट दी। अपनी हजारों साल तारीख और सकाफत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाला सूबा सिंध जुल्म बर्बरियत का गढ़ बन गया। सिंध के इलाके उमरकोट में एक और ऊँटनी की हलाकत का दर्दनाक वाकया पेश आया है। ऊँटनी के मालिक अब्दुल रशीद कपरी के मुताबिक ऊँटनी कुछ अरसा से बीमार थी, कल दूसरे ऊँटों के साथ चढ़ने चली गयी। वाकये का सुबह गाँव के लोगों के इतला देने पर मालूम हुआ है। ताहाल इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ऊँटनी की टांगे काटी गयी तब वो जिंदा थी या मरने के बाद इस तरह का इकदाम किया गया। याद रहे कि चंद दिनों में सूबे सिंध में ऊँटनी की टांग कटने का ये दूसरा वाकया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।